सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा यह याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना भी है, इसलिए बिना लिप्त हुए जीवन का आनंद लेना, वर्तमान में जीना, यही जीवन का असल सच है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। आज का पंचांग 1 नवंबर 2020 देर रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 8:57 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:21 से 5:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 3:41 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 1 नवंबर 2020 दिन रविवार, आप आत्मविश्वास से महसूस कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करने और अपनी सफलताओं का आनंद लेने के लिए भी तैयार हैं। आपका प्रसन्न चित रवैया आपके आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। फ्लर्ट करें, मजा लें और नए दोस्तों को बनाएं। भाग्य अभी आपके पक्ष में है। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज अचानक दिनचर्या परिवर्तन या निमंत्रण की संभावना है। घरेलू मुद्दे भी चिंता का विषय हो सकते हैं, किंतु परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपने विचारों और चिंताओं से इतना ना घबराएं कि आप आने वाली जीत और अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। आज दिन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यतीत करें। आज के दिन आपको सफलता देने वाला है। आपके कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति मामला चल रहा है तो आज उसे आसानी से हल किया जा सकता है। अपने भावनाओं को योग्य व्यक्ति के सामने प्रकट करना आपकी स्थिति का हल दिला सकता है। परिस्थिति भले ही आपके पक्ष में ना हो, लेकिन नुकसानदायक भी नहीं है। परिवर्तन से जुड़ी बातों का डर अधिक सताएगा। करियर में बदलाव लाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना आपके लिए जरूरी है। पार्टनर के बर्ताव की वजह से मन में वहम बन सकता है। स्वास्थ्य में तकलीफ ना होने के बावजूद भी कुछ न कुछ चिंता सताएगी। सावधानियां, किसी से ज्यादा उम्मीद न रखें, बल्कि अपने कार्य क्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। बहुत अधिक भावुकता से बचें, क्योंकि इसकी वजह से कई बार आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में भी अपना समय नष्ट न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। कोई शुभ चिंतक अचानक आई घरेलू मुसीबतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। चोरी या दुर्घटना से बचने के लिए सावधान रहें। किसी समूह क्लब या सोसाइटी में शामिल होकर आप किसी खास से मिल सकते हैं और साथ ही कुछ यादगार पल भी पा सकते हैं। आवश्यक कामों या गतिविधियों से बचें। कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर ना छोड़ें। उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देखी जा सकती है, इससे आपको भी फायदा होगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर खट्टी मीठी नोक झोंक रहेगी। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर जोर शोर से तैयारियां रह सकती है।
बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत करते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध में आकर परिस्थितियां नकारात्मक हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम के सिलसिले में कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। धन में लाभ या करियर में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास जरूरी है। आज किसी बदलाव की संभावना है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अच्छे से संभाल लेंगे। घर में किसी परेशानी से सामना हो सकता है, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि जो आप आज करते हैं उसका प्रभाव आपके भविष्य में पड़ता है। कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लें। बात करते हैं सेहत की। आप तनाव और बुखार के बाद पूरे दिन सिर दर्द महसूस करेंगे। थोड़ी शांति से काम लें और तनाव से बचने की कोशिश करें, ताकि आप परिस्थिति के लिहाज से उचित कार्य कर सकें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को घी का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।